दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुवा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुवा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, वैशाली में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के पेट्रोल पंप पर हुई लूट। वैशाली में बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पेट्रोल पंप पर लूट हुई। शाम बाइक में पेट्रोल भरवाने आए तीन युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना महनार थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित पेट्रोल पंप की है। बदमाशों ने पहले पेट्रोल डलवाया, उसके बाद पैसे मांगने पर फायरिंग कर दी और इसके बाद नोजल मैन के पास मौजूद बैग में रखा 15,000 रुपया लूट लिया। अगली ओर, सीएम नीतीश कुमार ने बगहा में लिया बाढ़ का जायजा। गंडक बराज पर पहुंचे नीतीश कुमार, बढ़ते जलस्तर का हवाई निरीक्षण भी किया, साथ ही हवाई मार्ग से भी बाढ़ के हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने गंडक बराज का निरीक्षण किया। अगली खबर, तेजस्वी यादव राजद में हो सकते हैं पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। लालू प्रसाद राजद के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब बेटे तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना सकते हैं और इसे उनके बड़े बेटे के लिए रास्ता साफ करने के कदम के रूप में देखा जा रहा। 25 साल के पार्टी के इतिहास में अभी तक कभी भी किसी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इस बार इस नए पद की घोषणा खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं। दरअसल 10 अक्टूबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राजद का अधिवेशन होना है और इस बीच इसकी चर्चा खूब है कि क्या लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर सकते हैं। अगली खबर, 7 इंसानों का शिकार करने वाले बाघ का होगा एनकाउंटर। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का बाघ आदमखोर हो गया है और इसने बीते 9 महीने में 8 लोगों पर हमले किए, इनमें से 7 लोगों की जान ले ली। इसे 2 दिन में ही 2 लोगों को मार डाला। इन घटनाओं से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। वन विभाग की ऑफिस को जला दिया गया है और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। लोगों का गुस्सा देखते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पीके गुप्ता ने बाघ को मारने का आदेश दे दिया है। 26 दिनों से 400 वनकर्मियों की टीम उसे तलाश कर रही है और यह बाघ 5 अक्टूबर की देर रात घर में सो रही 12 साल की बच्ची को जबरे में दबाकर ले गया था। लोगों के शोर मचाने पर उसने शव को वहीं पर छोड़ दिया और फिर से 7 अक्टूबर की सुबह डुमरी गांव के संजय महतो पर खेत में हमला कर दिया। संजय महतो की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर, जमुई में ढोल नगाड़े के साथ माता का विसर्जन। जमुई में स्थानीय श्रीकृष्ण स्टेडियम में वीर कुंवर सिंह पूजा समिति के द्वारा स्थापित माँ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन ढोल नगाड़ों एवं धूमधाम के साथ शहर के बोधवन तालाब में किया गया। इस दौरान माता के विसर्जन जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इससे पूर्व महिलाओं ने श्रीकृष्ण सिंह स्टेडियम में माता के खोइचा भरा और अपना एवं अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। अगली खबर, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का जगदानंद सिंह पर तंज, कहा कि सरकार को अस्थिर करने की पिता पुत्र कर रहे साजिश। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनके बेटे पूर्व कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह पर जमकर हमला बोला और उन पर बीजेपी से साठगांठ कर सरकार को कमजोर और बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह लालू यादव को तो पसंद करते हैं लेकिन नीतीश और तेजस्वी यादव को नहीं। ये भी कहा कि उनके बेटे का बार बार सरकार के ऊपर हमला करना सरकार को अस्थिर करने की साजिश लग रही है। पप्पू यादव अपने गांव खुर्दा में आयोजित दुर्गा पूजा मेला के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अगली बार जगदानंद सिंह का अगला कदम मचा सकता है हलचल। लालू यादव से मुलाकात के बाद साफ हो के स्थिति बिहार की राजनीति के लिए आने वाले कुछ दिन अहम साबित हो सकते हैं। राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में लालू परिवार से बाहर के बड़े नेताओं में शुमार जगदानंद सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसी चर्चाएं तेज, हालांकि इसे खारिज करने वाले लोग भी मजबूत तर्क दे रहे। बताया जा रहा है कि अपने पुत्र सुधाकर सिंह के कृषि मंत्री के पद से इस्तीफे से आहत होकर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी इस्तीफा दे सकते हैं। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि दिल्ली में हुआ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में कुख्यात राजा ठाकुर की पीट पीट कर हत्या। मुजफ्फरपुर में वर्चस्व को लेकर अहियापुर में गैंग वॉर हो गया और इसमें साथी राजा ठाकुर मारा गया, उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के जियालाल चौक के समीप की, जहां पर गैंग वॉर में राजा ठाकुर को मारा गया। वह कई मामलों में वांछित था। जानकारी के मुताबिक वह पूर्व में जेल में भी जा चुका है। इसके अलावा उसके द्वारा अहियापुर में कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाया गया था। बताया गया कि देर रात उससे जियालाल चौक के समीप बुलाया गया था, वहां खाना पीना करने के बाद राजा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अगली खबर, मुंबई पुलिस ने दी बिहार के बांका में दस्तक। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी से 10 लाख की ठगी में एक गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बंधु पाकुरवा थाना क्षेत्र के हनुमत्ता गांव से एक युवक को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस स्टेशन बीके से मुंबई के इंस्पेक्टर अमित शंकर उत्केतर ने बताया कि एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के स्टेट बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर ओटीपी मंगाकर विभिन्न माध्यमों से 10 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। इस मामले में 5 सितंबर को पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। इसी कड़ी में साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन पर सुरेश यादव के पुत्र आरोपित राजेश यादव को उसके घर हनुमत्ता से ही गिरफ्तार कर लिया गया।
मुंबई पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित के खाते से 4,50,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई है। अगली खबर, बिहार में पुलिस एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड समेत सभी इमरजेंसी के लिए जारी की गई डायल 112 सेवा का जल्द विस्तार होगा। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत शुरू की गई डायल 112 सेवा के दूसरे चरण के लिए गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा है। अभी पटना जिले के साथ सभी जिला मुख्यालय में डायल 112 के तहत सुविधा दी जा रही है। दूसरे चरण में राज्य के सभी प्रखंडों में इस सुविधा को शुरू करने की योजना है। इसके लिए दिसंबर तक की समय सीमा तय की गई है। इसी साल जुलाई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डायल 112 सेवा की शुरुआत की थी। इसके लिए फिलहाल 400 गाड़ियां उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक वाहन के साथ एक चालक के अलावा पुलिस पदाधिकारी और 2 जवानों को तैनात किया गया है। अगली खबर, बिहार के गाँव में 6 फीट से ज्यादा चौड़े रोड होंगे PCC। छोटी सड़कें पेवर ब्लॉक से चलेगी। बिहार के गाँव में सड़कों के हालात सुधरने वाले हैं। पंचायती राज विभाग की योजनाओं के तहत बनने वाली 6 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़कें PCC होगी, ताकि जल जमाव वाली जगहों पर मजबूत और टिकाऊ सड़क मिल सके। 6 फीट से कम चौड़ी सड़कें फेवर ब्लॉक यानी ईट सोलिंग के साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स की होगी। इसको लेकर विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने साफ किया है कि तीनों स्तर, ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति और जिला परिषद के माध्यम से बनने वाली सभी सड़कों पर यह निर्णय अनिवार्य रूप से लागू होगा। विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलों को इस संबंध में पत्र भेजा है। मालूम हो कि इसके पूर्व 6 फीट से कम चौड़ी सड़क को लेकर कोई नियम नहीं था, पर अब विभाग ने इस मामले में नया आदेश जारी किया है। गली नाले पक्कीकरण योजना में भी यह नियम लागू होगा। अगली खबर, चिराग पासवान में मोकामा एवं गोपालगंज में उतारेंगे उम्मीदवार, दोनों सीटों पर लड़ेगी लोजपा। बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज गया है। मोकामा और गोपालगंज की सीट पर 3 नवम्बर को मतदान होना है। प्रदेश में सियासी समीकरण बदलने के बाद अब जदयू, कांग्रेस एवं राजद एक साथ कमर कसकर महागठबंधन उम्मीदवार के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं भाजपा इस चुनाव में अलग होकर प्रत्याशी पर दाव खेलेगी। इस बीच अब चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा से उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। अगली खबर, बिहार में अतिक्रमण करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार में भूमि अतिक्रमण का हाल जानकर भूमि सुधार मंत्री चौंक गए। बिहार में भूमि अतिक्रमण का हाल जानकर हैरत में पड़ गए हैं। यहाँ पर सरकारी भूमि की बात तो छोड़ ही दीजिए, पहाड़ से लेकर शमशान घाट तक अवैध कब्जा है। झील, तालाब एवं नदी नाले में भी लोगों की निजी संपत्ति हो गई है। राज्य में चल रहे भूमि सर्वे के दौरान ये खुलासे हो रहे। कई मामलों में तो अंचल कार्यालय के भ्रष्ट तत्वों की मिलीभगत से ऐसी भूमि के पर्चे भी काट दिए गए। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने अतिक्रमण के मामले पर कड़ी कार्रवाई करने एवं ऐसी जमीन को मुक्त कराने का भरोसा दिया है। अगली खबर, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बताया बिहार विरोधी, कहा कि नीतीश का फैसला बिहार के जनता के विरोध में ही रहता है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहारियों के हित में कोई काम नहीं किया है। साथ ही ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी नहीं, बिहारी विरोधी हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव रद्द होने को लेकर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार की हर नीति, हर फैसला बिहार की जनता के विरोध में ही रहता है। अगर भाजपा उन पर आरोप लगा रही है तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार सिर्फ अति पिछड़ा विरोधी ही नहीं बल्कि दलित युवा के विरोधी भी हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहारियों के हित में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे बिहार का विकास हुआ हो या फिर बिहार बाकी राज्यों से बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा हो।